जनपद पंचायत नवागढ़ में भरा बारिश का पानी लोगों को हो रही परेशानी। जांजगीर चांपा जिले अंतर्गत कार्यालय जनपद पंचायत नवागढ़ कोई एक दिन की बारिश से तालाब में तब्दील हो गया है। जिले के सबसे बड़े ब्लॉक नवागढ़, जो कि 94 पंचायतों का मुख्यालय है, जहां रोजाना सैकड़ों लोगों का आना जाना है, लेकिन यहां एक दिन की बारिश, वो भी चंद घंटों की बारिश ने जनपद पंचायत नवागढ़ परिसर को जलथल में तब्दील कर दिया है। आज शिक्षकों की समीक्षा बैठक आयोजित था, जहां शिक्षकों ने इसे जनपद पंचायत के सीईओ और अधिकारियों की लचर व्यवस्था पर गंभीर प्रतिक्रिया व्यक्त किए और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मुख्यालय की यह स्थिति चिंताजनक है। वहीं पूर्व सरपंच और बीजेपी ओबीसी महिला मोर्चा के जिला महामंत्री तुलेश्वरी चंद्र ने कहा, हर वर्ष बारिश के दिनों में जनपद पंचायत परिसर में घुटने तक पानी भर जाता है, लेकिन अधिकारियों को इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता। उन्होंने कहा कि गेट के पास विद्युत खंभे लगे हुए हैं और कई विद्युत तार खुली हुई है, क्या पता कभी भी करंट प्रवाहित हो जाए और करंट की चपेट में आ जाए। आगे कहा कि पानी भरने के कारण नीचे कितना पानी भरा है और कोई गड्ढा होगा जो कि दिख नहीं रहा है, अंदर जाने में बड़ा ही दिक्कत हो रही है। सवाल उठता है कि 94 पंचायतों के मुख्यालय का यह हाल है तो पंचायतों का क्या हाल होता होगा, जबकि सीईओ और समस्त अधिकारीगण इसी तालाब नुमा परिसर से गुजर रहे हैं। आज मीटिंग है जनपद पंचायत में शिक्षा स्थायी समिति का, उसमें शामिल होने के लिए आया हूँ। और अपना समस्या है, इतना बड़ा जनपद पंचायत होते हुए भी इस तरह की गड्ढा में पानी भरना और किसी का ध्यान इसमें नहीं है, बड़े बड़े अधिकारी यहाँ उपस्थित हैं, उसके बावजूद इस तरह की पानी भरा है, बहुत समस्या है, सभी आने जाने वालों को परेशानी हो रही है। कहाँ संभल पाएगा, ये तो सब दिखावा है, चल रहा है। उसमें कितना फीट पानी तो लगता है, 1-1.5 फीट होगा ऐसा लगता है, है ना, क्या समझें, सब तरफ तो यही चल रहा है। हमारा नवागढ़ ग्राम पंचायत, नवागढ़ जनपद पंचायत है और मैं ग्राम पंचायत किरित की पूर्व सरपंच हूँ। अभी वर्तमान में ओबीसी अन्य पिछला वर्ग की महामंत्री हूँ, जिला महामंत्री बनी हूँ और यहाँ तक लगातार यहाँ बारिश जैसे ही होती है, यहाँ पर प्रशासन कोई ध्यान नहीं देते हैं, जनपद के अधिकारी कर्मचारी कोई ध्यान नहीं देते हैं और यहाँ अक्सर पानी भर जाता है और हम लोगों को यहाँ से आने जाने में बहुत परेशानी होती है। और यहाँ पर जो खंभे का पोल दिख रहा है, ये इसमें भी करंट की संभावना बनी हुई है, अगर हम लोग इसमें से गुजर रहे हैं और करंट आ जाएगी तो इसमें निश्चित ही मृत्यु की आशंका बनी हुई है। तो मैं ये चाहती हूँ कि शासन प्रशासन इस पर ध्यान दें और उचित कार्रवाई करें। नवागढ़ जनता जाने के लिए यहाँ से मतलब हिम्मत नहीं हो रहा है कि मैं कैसे गुजरूँ, अगर हो सकता है मैं इधर जाऊँ तो करंट आ जाएगा, ये भी मेरे मन में एक डर उत्पन्न है। जांजगीर चांपा से राजेंद्र रत्नाकर, सीजीवी जनटीवी।